खरगोन जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम बड़गांव में शासकीय स्कूल के खेल मैदान को अतिक्रमण करने के संदर्भ में स्कूली छात्र छात्राओं ने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के नाम एडीएम एमएल कनेल को ज्ञापन सौंपा। खरगोन जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम बड़गांव में शासकीय स्कूल के खेल मैदान को अतिक्रमण करने के संदर्भ में स्कूली छात्र छात्राओं ने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के नाम एडीएम एमएल कनेल को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि शासकीय स्कूल के मैदान पर किसी सामाजिक संगठन द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गयी है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है, परंतु बीते दिनों सामाजिक संगठन द्वारा स्कूल परिसर के खेल मैदान पर 100x100 की तार फेंसिंग कर खेल मैदान पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे बच्चों को खेलने कूदने व आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों द्वारा बताया गया कि विद्यालय का मुख्य गेट भी बाउंड्री वॉल से ही होकर गुजरता है, जिससे कि बच्चों को लंबी दूरी तय कर स्कूल पहुँचना पड़ रहा है। छात्रों की मांग है कि इस बाउंड्री वॉल को जल्द से जल्द हटाया जाए और बच्चों ने चेतावनी भी दी है कि अगर तार फेंसिंग को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो बच्चे विरोध स्वरूप स्कूल बंद करेंगे और उनके द्वारा स्कूल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो पढ़ाई का नुकसान होगा उसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे। हमको जगह नहीं मिल रही है, हमारी जो मेन गेट है बाउंड्री लाइन हो रही है वहाँ पे हमारा मेन गेट आ रहा है, जो हम भी निकलेंगे सर मैडम भी निकलेंगे, तो वहाँ तार फेंसिंग कर दी है तो हमको निकलने की जगह नहीं मिल रही है वहाँ पे। तो हम गेम से कहाँ खेलेंगे, हमारे खेल कूद अगले महीने में है और परीक्षा भी है, हमको 3-4 दिन में नहीं उनको हटाया गया तो हम हड़ताल मचाएंगे, हमारी परीक्षा और स्कूल बंद कर देंगे, हमारी पढ़ाई की कोई भी गलती हुई दिक्कत आई तो जिम्मेदार ये रहेंगे सर। हमारी समस्या यही है कि उन्होंने तार फेंसिंग कर ली, हमें निकलने में प्रॉब्लम हो रही है और हमारे गेम्स में भी वो जगह रोक ली है, तो हमें प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है जाने आने में, तो हमें बस कलेक्टर महोदय से यही आवेदन है कि वो तार फेंसिंग हटा दे और हम वो जो स्टेचू बना है ना उसके लिए नहीं हमको प्रॉब्लम है, वो हमारे ग्राउंड में हम चाहते हैं पर उन्होंने बाउंड्री बना दी, इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को, टीचर को, हमारे गेम्स में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से हम ये आंदोलन करेंगे।